यस, आज अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है कुलदीप, बुलंदशहर यूपी से हैं। और देखिए, मैं जितने भी सेशन डाल रहा हूँ, हर बच्चे की लाइफ, हर बच्चे की सक्सेस स्टोरी, सबके अलग अलग व्यू और सबके अलग अलग चैलेंजेस थे। तो मैं कुलदीप के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो कुलदीप की रैंक ऑल इंडिया 90 है, एनआईटी सूरत का अलॉट हुआ है। कुलदीप का फाइनल ईयर तक, लास्ट ईयर जब ये फाइनल ईयर में था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एमसीए करना है। इनफैक्ट आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे थे, बाद में इनको लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। देन इन्होंने एमसीए का प्रिपरेशन किया और इम्पीटस गुरुकुल के साथ पढ़ाई की। तो मैं कुलदीप, सबसे पहले तो आपकी इस 90 रैंक के लिए और एनआईटी सूरतकल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसका सर पूरा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपके अगर मोटिवेशन नहीं होता ना लगातार, तो कहां हम एमसीए के चक्कर में लगने वाले थे। तो कुलदीप, जैसा कि, थैंक यू बेटा कुलदीप, मैं एक चीज चाहूंगा। जैसे बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, अक्सर बीएससी या बीसीए वालों को, कि एनआईटी से भी एमसीए किया जा सकता है। वो तो अभी कुछ ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ गया पिछले कुछ सालों से, और इम्पीटस गुरुकुल ने एक पहल की कि एमसीए कोर्स को प्रमोट किया जाए, तो उसके बाद काफी फर्क पड़ा, पर अभी भी नहीं है। तो पहले मुझे, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट की ही एक और बात बोलूंगा, कुलदीप का फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 रैंक थी। तो आपकी जो जर्नी है, सक्सेस जर्नी के पहले का जो पास्ट है, मैं चाहूंगा वो जरूर बताएं कि फाइनल ईयर तक आप क्या सोचते थे और कैसे आपने एमसीए का मन बनाया और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की। सर मेरा स्टार्टिंग में कोई मन नहीं था एमसीए का, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये पहले एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेना पड़ेगा, ऊपर से कंप्यूटर्स वगैरह का फील्ड है। तो सर मैंने पहले एमएससी का प्लान किया, क्योंकि मेरा फिजिक्स और मैथ थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरे को लगा कि इसमें कोई ज्यादा स्कोप नहीं है आज के टाइम में। फिर सर आपका मैंने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो आपका मेरे को लिंक मिला, उसमें मैंने देखना स्टार्ट करा। सर उससे मेरे को एक आइडिया लगा कि अगर एक हर अच्छे बच्चे का जो पढ़ने में ठीक है, उस पर एक सपना होता है कि वो किसी ना किसी अच्छे आईआईटी या फिर एनआईटी से पढ़े। लेकिन सर 12th के बाद आईआईटी देना, सर मुझे को पता था कि मेरे लिए बस की नहीं था, क्योंकि उसमें सर इतना ज्यादा, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें इतना डीप नहीं पढ़ाते हैं, तो क्रैक हो पाए। फिर मेरे को सर, फिर मैंने तो ये उम्मीद रख ली कि अपना बीएससी एमएससी चलता रहेगा। लेकिन सर फिर मैंने आप वीडियोस देखी, उसके बाद में क्लियर हुआ कि इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, केवल अपना मैथ्स बिल्ड करना पड़ता है। मैथ्स में अगर आप मास्टर्स हो ना, आपको अच्छे से निकल जाता है। ऊपर से सर इतना अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं जो आपको आईआईटी से तो शायद मिल ही नहीं पाते अगर बीटेक करने के थ्रू होते। तो सर मैंने इसमें ये इसलिए स्विच किया क्योंकि एमसीए में एनआईटी करके सर बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, कॉलेज मिलते हैं, फैकल्टीज काफी अच्छी होती है सर। तो सर उसके बाद में सर मेरे को ये कंफर्म हो गया कि अब इसमें जाना है। फिर मैंने स्टार्टिंग करी, वीडियोस वगैरह देखने स्टार्ट करे। फिर पहले मैंने आपके सर यूट्यूब पर देखना स्टार्ट करा। यूट्यूब से जितना समझ में आया कि आपका पढ़ाना काफी समझ में आने वाला आगे तक। लेकिन सर ये होता है कि अगर हम ओपन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे, क्लो नहीं रह पाते, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता सर। फिर मैंने आपका पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद में सर लगभग लॉकडाउन से लगभग एक महीने पहले मेरे को पेन ड्राइव से वो आपका लाइव कोर्स मिल गया, वो तो सर गॉड गिफ्ट रहा आपने लिए, काफी स्विच हो गया। बिल्कुल सही बात बोली कुलदीप आपने कि हम लोगों का बाई चांस है, मतलब हमको ऐसा नहीं पता था ऐसा होगा, पर जनवरी फरवरी में हमारा पूरी तरह से लाइव कोर्स, क्योंकि पेनड्राइव का रिस्पांस बहुत अच्छा था, जैसे आपने पेनड्राइव लिया, पर पेनड्राइव वाले बच्चों का एक ही फीडबैक था सर, सब कुछ अच्छा पर फिर भी कनेक्टिविटी रोज नहीं हो पाती आपसे या रेगुलर, तो इसलिए वो लाइव का दिमाग में प्लान था और शायद वो पेनड्राइव की वजह से लाइव हुआ। और किस्मत देखिए समय की बात कि वो बहुत अच्छे समय हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुलदीप सबसे पहले पेनड्राइव कोर्स से जुड़े, उसके बाद फिर लाइव क्लास पढ़ी, पर बहुत रेगुलर पढ़ाई करी और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कुलदीप ने अपना पूरा, क्योंकि मैं लाइव क्लास में देखता हूँ ना, कुछ बच्चे बहुत रेगुलर रहते हैं, उनमें से आप थे, आपने टेस्ट पेपर्स भी रेगुलर दिए। तो कुलदीप जब आपने मन बना लिया था ड्रॉप लेने का और एमसीए करने का, तो आपने पूरी पढ़ाई करी, तो आपको घर में या किसी का कोई ऐसा प्रेशर आया, कई लोग ड्रॉप लेने से बहुत डरते, आपने तो प्योरली ही इस बात के लिए ड्रॉप लिया और आपने कोई लास्ट ईयर अटेम्प्ट भी नहीं दिया था, तो कुछ लोगों ने आपको, आपके मतलब क्या प्रेशर था या क्या आपके घर का और बाकी लोगों का सपोर्ट था आपके साथ? सर ऐसा होता है, रिलेटिव्स का तो हमारा काम होता है टांग खींचने का, तो सर उनको पता चला कि ड्रॉप लेने वाला है, तो उन्होंने बोला कहाँ एक साल बेकार कर रहा है, या तो कोई जॉब कर ले या फिर एमएससी कर ले एक साल, वो सर उनको लगता है कि एक साल बेकार हो रहा है। बट इसका सर मेरा पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। सर पापा ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये ड्रॉप लेना कोई बेकार थोड़ी ना होने वाला है, ये सर एक इन्वेस्टमेंट है, अगर मैंने एक साल दे दिया, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो सर बहुत स्कोप बनता है। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट से एमसीए करता हूँ, सर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद ना अपनी जॉब्स का स्कोप होता भी नहीं उसके अंदर।
तो सर मेरे को ड्रॉप लेना, सर ये समझ लीजिए कि अगर मैं उस टाइम पर ड्रॉप ना लेता तो मैं पछता रहा होता कि मैंने क्यों नहीं कराया। बहुत अच्छी बात बोली कुलदीप। कई लोग देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए बाकी लोग दे ना दे, अगर घर के मेंबर्स का सपोर्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और आपने अभी बोला, जैसे कि मैं आपके फादर को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने आपका तुरंत सपोर्ट किया। तो ये जो आपका लाइफ का था, कई लोग जब ये वर्ड बोलते हैं ना एक साल खराब हो जाएगा, मैं बोलता हूँ ये वर्ड ही गलत है। ये आपने इन्वेस्टमेंट किया और देखिए आज आपका रिजल्ट है। लास्ट ईयर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते, एमएससी कर लेते। कई बच्चे एमसीए में जैसे मेरे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन या क्लासरूम में, एमएससी कर चुके होते फिर आते हैं, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उसके बाद। तो एक सही समय पे आपने डिसीजन लिया, एक अच्छी मेहनत करी और देखिए आज उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और अगले 3 साल में आप एक बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं एक और फिर से आपको ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन बच्चों को जो कि ड्रॉप लेने से डरते हैं या जीवन में कंप्रोमाइज करने से डरते हैं या करते हैं जीवन में कंप्रोमाइज, उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज होगा? सर उनके लिए सर केवल एक मैसेज होगा कि दो तरह से मेहनत हो सकती है, या तो जॉब लेने से पहले मेहनत कर लो, घर बैठकर अपनी तैयारी कर लो, कोई बात नहीं 1 साल 2 साल 3 इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि सर हर किसी की ब्रेन एक जैसा नहीं होता कि किसको 1 साल में क्लियर हो जाता है, किसको 2 साल में होता है। या फिर सर अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी, अभी आपने सोचा कि नहीं हम तो फटाफट किसी प्राइवेट से एमसीए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम बाद में देख लेंगे, जॉब इंक्रीमेंट हो जाएगा, सर उसमें सालों बीत जाती है, बंदा घिस जाता है बिल्कुल, उसको ना तो सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है ना सर जॉब इंक्रीमेंट मिलता है। तो मैं सर ये सजेस्ट करूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने अब सर की स्टडी आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहे। आपका सिंपल कहना होता है कि अगर हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई 2 करो, तुम दुगनी मेहनत करेंगे ना 12 महीनों के अपना पास सीधे सीधे, तो स्टार्टिंग में ड्रॉप लो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात बोली कुलदीप, बिल्कुल आपने मेरे वर्ड बोले कि जीवन में कभी ना कभी तो मेहनत करनी है। अगर आपने आज मेहनत करी है तो कम समय की मेहनत से आगे की लाइफ इंटायर इजी होती है, और आज मेहनत नहीं करके कंप्रोमाइज किया तो पूरी लाइफ आगे मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने देखा कि कुलदीप की स्टोरी क्या थी, बिल्कुल आईआईटी जेएम की तैयारी करते करते समझ में आया कि एमएससी पीएचडी इन सब में उसको ऐसा लगा कि बहुत लंबी फाइट है और कुछ कह नहीं सकते। और यूपी में क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी आजकल गवर्नमेंट जॉब कम है, तो इसने तुरंत डिसीजन लिया 2 महीने की पढ़ाई के बाद, फिर एमसीए की पढ़ाई की और ये 1 ईयर की रैंक है। और 1 ईयर की रैंक कितनी अच्छी है वो आपके सामने है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी कोई समझौता मत करो, समझौता बाकी सब चीजों से करो, करियर से मत करो। ऑल द बेस्ट कुलदीप वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।